अस्सलाम वालेकुम। मेरी नन्ही सी बच्चियों से, तुलबा से आज एक मुखातिब होने के लिए आप सबको बुलाया हूँ। मेरे वालिद इमाम अब्दुल लतीफ साहब जब लड़कियों की एक TCH यानी कि टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अलेमिन के कंपाउंड में लाए, उनकी यह बात रही, ये हसरत थी कि अगर हमारे घर की लड़कियों को हम पढ़ा लेंगे तो सारा परिवार पढ़ लिख कर आगे जिंदगी में बढ़ जाएगा। ये लतीफ साहब की मुहिम थी, साबिक MLA कोलार एम अब्दुल लतीफ साहब की मुहिम थी सारी उम्र के लड़कियों को पढ़ा जाए। इसलिए उन्होंने अंजुमन इस्लामिया में ट्यूटोरियल चलाते थे, उसमें एक अलग विभाग लड़कियों के लिए भी रखा था। यह था जज्बा हमारे बड़ों का। आज हमारी लड़कियों को कॉलेज से जाने रुका एक हिजाब का मसला लेके इतना बड़ा एक जानी समझी एक साजिश के तहत हमारे बच्चियों को तालीम से महरूम रखने की यह बहुत बड़ी साजिश है। इसे इस मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे, हम होश से काम करेंगे। अंजुमन इस्लामिया को आज हमारी नाज है, हमारी शान है, हमारी मजबूती है हमारी अंजुमन इस्लामिया, और उसके काबिल सदर हमारे हज़रतुल अज़ीज़ ज़मीर अहमद साहब से और सारे मेंबरान से गुजारिश करता हूँ कि एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई आप लोग तय करिए, क्योंकि मैटर हाईकोर्ट में चल रहा है, दिलनवाज ये सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएगा ये मसले को, खांदे को खांदा देकर मेरे भाइयों के साथ जुड़कर रहेगा। हम इसको ऐसे नहीं सलीस छोड़ेंगे, मगर अंजुमन इस्लामी इस बारे में जो फैसला ले उस निर्णय पर हम सब चलेंगे। हमारे बच्चों की तालीम के साथ समझौता नहीं हो सकता। हमारे बच्चियों कल से स्कूल कॉलेज जाना बंद नहीं करेंगे, बच्चे और जिद से और मजबूती से कहीं SLC PUC पढ़ने तक का इरादा था, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे हमारी बच्चियां हमारी लड़कियां, नहीं रुकेंगे, घर पर नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे, कॉलेज जाएंगे और कॉलेज में मजबूती से सबसे आगे वाले नंबर लेकर हमारी बच्चियां हमारी नाज बनेंगी। हमारे अब्दुल लतीफ साहब का ख्वाब पूरा सपना होने के लिए ये हिजाब का मसला इन्होंने लाके खड़ा करा है। इसके बारे में भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है जिसके तहत हमें Article 25 में हमें जो हुक मिला है उस हुकूक के लिए हम हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम फुर्सत से नहीं बैठेंगे। बच्चों से मैं गुजारिश करता हूँ कि तुम आप किसी भी कोई सियासी कोई आदमी की बात में आकर कॉलेज जाना बंद ना करें, क्योंकि आपके कॉलेज जाने पर ही हमारा कल और भविष्य बन सकता है। बच्चियों, लतीफ साहब जब ये उर्दू TCH लाए कोला को, उर्दू TCH लाना बहुत बड़ा चैलेंज था। देवराज चीफ मिनिस्टर थे, हमारे पास टीचिंग एड्स नहीं थे, क्लासरूम्स नहीं थे, बोर्ड रूम्स नहीं थे, इसके बावजूद लतीफ साहब अपने बड़ी मेहनत से उर्दू TCH कोला को ले रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि हमारी कई बच्चियां आज उर्दू स्कूल के टीचर्स बने हैं। ये मुहिम लतीफ साहब की मुहिम जो उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने की मुहिम जो चलाई जो शुरू किया जो आगाज ही मिला वो बंद नहीं होना चाहिए। सियासी मसले के बारे में भी बात करता हूँ। BJP ने इस मुद्दे को उठाया है, जानबूझकर इस मुद्दे को इसलिए उठाया है ताकि हमारी बढ़ती हुई कल के लिए रुकावट बन सके। और BJP का मतलब ये BJP ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन चलाने वाली BJP आज हिजाब को लेके इतना बड़ा मसला इकट्ठा कर रही है। अब इसके जवाब में कोई भी सियासी पार्टी हो, कांग्रेस हो, RJD हो, BSP हो, इसमें अगर पॉलिटिकल टूल को इस्तेमाल करके मुसलमानों के वोट के लिए खुशामदी करने की कोशिश कर रही हो तो गलत बात है। ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में हम सुलझा लेंगे। हमारे मजहबी हमारे उलमाए इकराम है, इसके बारे में तशवीश चल रही है, वो अपना फैसला हमें जल्द सुनाएंगे। हम उनकी बात सुनकर हमारे बच्चों के बारे में हमारे हिजाब के बारे में हम फैसला लेंगे, मगर तब तक कोई भी सियासी पार्टी इस मुद्दे को लेकर अपनी सरगर्मियों के हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे हमें बर्दाश्त नहीं। मैं कर्नाटक की हुकूमत से अभी CM से भी अपील करना चाहता हूँ कि हमारी कॉलेजेस स्कूल्स और हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास कोई मीडिया पर्सन नहीं दिखना चाहिए। फिल्म करते हुए फिल्म करके या रिपोर्टर हो या कोई भी फिल्मिंग करने वाला स्कूल के 500 मीटर के अंदर से कोई जाना नहीं चाहिए। हमारे बच्चों की प्राइवेसी इन्वेड हो रही है। मैं इसके बारे में डिप्टी कमिश्नर को भी चीफ सेक्रेटरी से भी बात करूंगा।
ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फिल्मिंग नहीं होना चाहिए बच्चों की, और बच्चों की जो डर पैदा कर रहे हैं बच्चों को स्कूल जाने के लिए, ये डर एक बड़ी जिद तालीम याफ्ता होने के लिए बदल जाएगी। इन्हें नहीं मालूम है हमारी बच्चियां और मजबूती से पढ़ेंगी और बहुत आगे तक जाएंगी। सिर्फ SLC पढ़ने का इरादा जो लड़की आज रखती है वो कल पोस्ट ग्रेजुएशन करने का हसम खा रही है आज हमारे सामने। हमारे बच्चियों को हमारे पर नाज है और हम हमारे बच्चियों से गुजारिश करता हूँ कि कोई बात में कोई इदारा कोई सियासी पार्टी कोई इदारे की बात ना सुने। आपको तालीम पाना है, इसके लिए हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानी की है और उस कुर्बानी को मद्देनजर रखते हुए किसी भी हालत से कॉलेज जाना ना छोड़े। और अब तक जो कम मार्क्स लेती थी देरी से जाती थी कॉलेज वो बच्चियां उस समय गुजारिश करता हूँ आज क्लास में अव्वल नंबर आ रहा है और सबसे ज्यादा तालीम पाने की कोशिश कर रहा है मेरे बच्चों को। और मैं अंजुमन इस्लामिया से बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि एक इमरजेंसी मीटिंग का ऑफर करेंगे और इमरजेंसी मीटिंग का ऑफर करके बच्चों को एक हौसला बढ़ाएंगे कि जाइए बच्चों कॉलेज जाना है। सरसद अहमद खान ने जब हिंदुस्तान में अंग्रेजी के लिए जोर दिया तो उन्हें काफिर कहा गया, मगर उसका नतीजा यह है कि सरसद अहमद की देन है कि अंग्रेजी जो हमारे बच्चों में है वो बेहतरीन अंग्रेजी है। आज एक बहुत बड़ा संकट की घड़ी हमारे ऊपर आ गई है, इस संकट की घड़ी हम झेल लेंगे। जो सियासी पार्टी हमारे गरम तवे में और एक रोटी सेकने का इरादा रख के कोई सियासी पार्टी जो भी आ रही है वो चाहे BSP हो या RJD हो कांग्रेस हो वो नाकामयाब रहेंगे, BJP नाकामयाब रहेगी। हमारे बच्चों की तालीम और बुलंद दर्जे पर जाने के लिए हमें ललकार रहे हैं वो। हम पहले जिस देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, हमारे मिलत के बहुत बड़े लीडर थे और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे आगे बढ़ने को कोई नहीं रोक सकता। I have earnest appeal to the Deputy Commissioner Kolar and to the state government that you should bar the entry of journalists with or without video cameras into school premises. No journalist must film students coming and going out of colleges or schools or educational institution. मैं ये Deputy Commissioner से ये इस तरह का एक direction के लिए बोला हूँ कि school के पास मेरी बच्चियों को हिम्मत दे रहा हूँ मैं कि school के पास colleges के पास कोई भी camera नहीं लेकर आके आपका school के अंदर जाना और बाहर आना film करेगा। इसके बारे में भी मैं स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत चला रहा हूँ, बातचीत करेंगे। और कल परसों KPCC में मीटिंग हुई, मीटिंग में यह हुआ कि हिजाब के बारे में आवाज उठाई गई, इसलिए केज मुनियप्पा साहब कर्णकोलार में आके आज सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। कई मसले थे, केज मुनियप्पा साहब आके बात कर सकते थे, आज ही हिजाब को लेकर क्यों बात कर लिया? ये समझते हैं कि अगर हमारे आंसू पोछने कांग्रेस चली आए तो कांग्रेस की हमदर्द मुसलमान हुकूमत का तख्ता पलटा दिया। हमारे साथ मत खेलो, हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है, हमारे बच्चों के भविष्य का समझौता हम हरगिज नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे बच्चे ही हमारा कल का आगाज है और हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वालों को इदारों को सियासी पार्टियों को हम नहीं बख्शेंगे। और मैं मेरे मिल्लत के भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि मैं हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका में मैटर चल रहा है, दिलनवाज सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगा इसके बारे में, आप अपने आप इसको मद्दा बड़ा मत बनाइए। इसको हमारे बच्चों का हुकूक है हम दिलाएंगे, मगर बच्चों की पढ़ाई के साथ कोई रकम का समझौता हमें मंजूर नहीं है। बच्चे हमारे जाएंगे, बच्चे हमारे पढ़ेंगे और बच्चे हमारे अपना मुस्तकबिल मजबूत करेंगे। ये कहते हुए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मगर बहुत आज दुखी हूँ मैं। आज तक दिलनवाज की आंखों में कोई बात से आंसू नहीं आए मगर आज आ गए। ये आंसू पोंछने के लिए वक्त की कमी है, ऐसा मुझे आज सवेरे से बहुत ही परेशान हूँ मैं, क्योंकि हमारे जो बड़े हमसे हमारे सर पर गुजरे हैं, मेरे वालिद हो, जब्बार एजमान हो, मौलवी हमारे मुस्तफा साहब हो, और कोलार के बड़े अजीम हस्तियां कोलार के लिए तालीम के लिए बहुत कुर्बानी दी। हाल में जमा हजरत की भी कसरत थी कि हमारे बैगो बच्चों के लिए एक हॉस्टल नहीं है कोलार में, एक बनाना चाहिए। हमारे बच्चों को तालीम के लिए इतना हम जोर दे लेकर आ रहे हैं, अगर ये तालीम की अगर रुकावट आ गई तो दिलनवाज जान देगा। ऐसा नहीं दिन देखना चाहे कि हमारी बच्चियां कॉलेज में खड़ कर घर पर बैठ जाए, ये दिन हम नहीं देखना चाहते। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि कानून अपने बात ठीक है, मगर संविधान के हमारे Article 25 में हमारा हुक्म हम मांग रहे हैं, आप इस पर अड़चन मत डालिए। इस पर अड़चन मत डालना देश के भविष्य के बारे में ही है। आप ही ने कहा, सरकार ने कहा
कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन चलाएंगे, कहां बेटी पढ़ाओ बेटी आंदोलन, ये तो मर्चेंट डाल रहे हैं। मैं इतना ही कहता हूं कि हाईकोर्ट में जब मैटर चल रहा है इसके बारे में बात करना, मैटर सब जुडाइज है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, लिहाजा इसके बारे में ज्यादा नहीं बात करना चाहता। मैं तो बस आज ये बताने चाह रहा हूँ कि कोलार के जो यम अब्दुल लतीफ साहब हो या मुस्तफा साहब हो या हमारे जबर अजमल हो, अब्दुल बशीर साहब हो, जितने सदर गुजरे हैं अंजुमन इस्लामिया के, उन्होंने बहुत जोर लड़कियों की तालीम पर दी। उस जोर को आज हम फिर बरकरार रखेंगे, हमारे बच्चियों को अच्छा पढ़ाएंगे, और हम पढ़ाने के लिए आज अंजुमन इस्लामिया से मैं आज इल्तिजा और आजीजाना गुजारिश करता हूँ, आप जो भी फैसला ले कल तक बच्चों को सुना दीजिए ताकि वो फैसला ले सके कि हम कॉलेज जाए या ना जाए। मगर उम्मीद करता हूँ कि सरताज अहमद खान का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए अंजुमन इस्लामिया बेहतरीन फैसला लेगी, बहुत भरोसा है, उम्मीद है। और एक लास्ट में मैं स्टेट गवर्नमेंट को हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से एक स्पेशल गुजारिश और अपील कर रहा हूँ। आप सब डिप्टी कमिश्नर साहब को फोन करके बता सकते हैं, इस्तेदाद कोविड का भी टाइम गुजरा है, इस्तेदाद करने के कई तरीके हैं, आप अपने डिप्टी कमिश्नर को फोन करके बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि साहब हमारी बच्चियां कॉलेज में जा रही हैं, ये प्रेस रिपोर्टर पीछे आता है, हमारी बच्चों की तस्वीर लेता है, ये जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल बदतमीज बात है, ऐसा नहीं चाहिए। तो डिप्टी कमिश्नर एक ऑर्डर इशू करेंगे, स्कूल कॉलेज और एजुकेशन इंस्टीट्यू के 500 मीटर के अंदर जब पान बीड़ी सिगरेट बेचने की इजाजत नहीं है तो आप लोग फिल्मिंग की इजाजत क्यों दे सकते हैं। मैं इसलिए अपील कर रहा हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब को, ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर सर, मच प्राइवेसी ऑफ द माइनॉरिटी गर्ल स्टूडेंट्स हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड विद एंड वी कैन नॉट टॉलरेट दिस एनी लॉन्गर, प्लीज इशू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू द मीडिया पीपल, टू द स्कूल्स, टू द डिपार्टमेंट कंसर्न, एजुकेशन डिपार्टमेंट, नॉट टू अलाउ मीडिया पीपल विथ और विदाउट कैमराज इन द कॉलेज प्रोमाइसिस। This you can do by an effective standing order and that this must be done today, my Honorable Deputy Commissioner sir. This is the feeling of the minority children has been deeply hurt and without caring for any norms, this type of unnecessary things have been clamped upon the minority community children, and only you should help them out by banning media people with or without cameras from covering children going in and out of the school, and this the respect to the teachers also, even teachers are being filmed and teachers also are in such an awkward position, they have no voice to raise their dissent against this. So an effective order, a standing order banning this media people from going to and filming students in the in and outside the college premises will be highly appreciated by all of us, and indeed this is a need of the day, because by filming so much passion is being fomented in the public. And this also going to result in law and order problem tomorrow, because constantly you are filming and showing to the people, girl student going and coming out of colleges. This is highly objectionable and this must be stopped. Sir, Kolar samsada Muni Sami bagge yen helak bayastira. Aur yavag bandrunu Kolar ge yen andre ond helta irtare. One time tower bagge heltara, innond time bandu Muslim mahileyaru yake masidi olagade hogalla anta heltara. Idar bagge neeve yen helak bayastira. ಸರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಪ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಆನರಬಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಎಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಸರ್, ಅವ್ರು ಟವರ್ ಇಶ್ಯೂನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಟವರ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ ನಾನ್ ಇಶ್ಯೂ, ಹಿಜಾಬ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇದು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಎತ್ತು ಒಂದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಟವರ್ಗೆ ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಬೇಕು ಕೋಲಾರ್ಗೆ, ಪೈಂಟ್ ಕಾಸ್ ಅವರೇ ಕಳಿಸಿ ಜನತಾದಲ್ ಕಲರ್ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಲಾಯರ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ 95 ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಬಂದು ಹೊಡಿಸಿ ಅಂತ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕಾಪಿ ವಿತ್ ಮೀ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ ನೀವು? ಜತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಅದು ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವರು ಪಾಪ ಈ ಮುನ್ಸಾಮಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂಗೋಲಾರ್ದು, ಈಗ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದಿರೋದು, ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಜೊತೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು